नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तीन ग्रहों की युति फलादेश पार्ट थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्लैनेट्स प्रेडिक्शन पार्ट थ्री। इसमें सूर्य के साथ बुध को लिया गया है और फिर बारी बारी से अन्य ग्रहों को जोड़ा गया है। सूर्य चंद्रमा का हो गया, सूर्य मंगल का, सूर्य बुध के साथ में अब सभी ग्रहों को लेना है। सूर्य बुध गुरु की युति, सूर्य बुध शुक्र की युति, सूर्य बुध शनि की युति, सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध केतु की युति का क्या जनरल एनालिसिस होता है नारी ज्योतिष के अनुसार, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मंगल जो है लग्न का कारक काल पुरुष की कुंडली से, सूर्य पंचम का, और बुध यहाँ पर तीसरे और छठे भाव का स्वामी बनेगा। तो इन चीजों का हम विवरण यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं। सूर्य बुध और गुरु की युति, यहाँ पे दो ग्रह शुभ ग्रह हैं, गुरु और बुध शुभ हैं और दोनों बुद्धि और ज्ञान से जुड़े हुए ग्रह हैं, और सूर्य क्या है, राजा है। यह युति काफी अच्छा प्रभावशाली फल देती है। बुध और गुरु की युति वैसे भी अच्छी मानी जाती है। बुध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान का संचार, और राजा हम स्वयं हैं, सूर्य आत्मकारक है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा होता है, ज्ञान से भर जाता है व्यक्ति का, की आत्मा जो है वह ज्ञान के लिए लालायित रहती है। तो यहाँ पर गुरु जो है ज्ञान, बुध जो है बुद्धि, और सूर्य जो है हम खुद हैं, यानी ऐसा व्यक्ति बुद्धि और यश को, दोनों को प्राप्त करता है अपने जीवन में। जातक को सांसारिक क्षेत्र में बहुत विद्वान बनाएगी और बहुत ही एक दार्शनिक, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगी। सूर्य मान सम्मान भी है, व्यक्ति का जो मान सम्मान है वो सूर्य है, दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं। तो व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे, अपनी नीतियों के बल पे, बुद्धिमत्ता के बल पे समाज में सम्मान, यश और प्रसिद्धि पाएगा। अब बताइए, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, वो क्या करेगा? वह अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे शत्रु को भी मित्र बना लेगा, बिगड़े हुए कामों को बना लेगा, रूठे हुए व्यक्ति को अपने अनुकूल कर लेगा। तो यह युति तो बहुत ही अच्छा प्रभाव दे जाती है। यह युति जो है जातक को दूसरों को मित्र बनाने की क्षमता देता है। युद्ध हो, विषम परिस्थिति हो, लड़ाई झगड़ा हो, यानी असाधारण व्यक्ति कौन सा है? जो असाधारण, सभी व्यक्ति संसार में साधारण ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों से निपट ले जाए, असाधारण परिस्थितियों में विजय पाले, वही असाधारण है। तो ऐसे लोग असाधारण परिस्थितियों में जो है विजय पाते हैं, सफलता पाते हैं अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे, और इस प्रकार से समाज में एक धारणा बनती है ऐसे लोगों के असाधारण होने की। ऐसे लोगों का ये माना जाता है कि ये लोग असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और क्या होगा, जिनका सूर्य बुध और गुरु की युति होगी, बुद्धिमान होगा और बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में बैठेगा और वहाँ पर सम्मान भी पाएगा। ऐसे व्यक्ति में समझ, सोच, बूझ भर भर के भरी होती है। जातक के जो भवन में, जातक के पैदा होने के समय कोई ना कोई या तो चिकित्सक रहा होगा उसके पास में, या कोई धार्मिक व्यक्ति आसपास में रहा होगा। यानी जातक या तो अस्पताल में पैदा हो, या किसी जहां पैदा हुआ हो वहां पर आसपास में कोई मंदिर हो या स्कूल हो, इस चीज की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सूर्य बुध की युति से गुरु सातवीं राशि में हो, मतलब गुरु साथ में ना हो इन दोनों के, बल्कि गुरु की दृष्टि आके पड़े, तो भी यह युति बहुत अच्छी होती है। जातक का पिता जो है भूमि आदि का स्वामी होता है, जातक का जो पिता होता है सूर्य पिता है, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। जातक का पिता भी बुद्धिमान और बौद्धिक कार्य को करने वाला होता है, टीचिंग प्रोफेशन से जातक का पिता हो, कुछ पुरोहिताई पंडिताई के पेशे से रहा हो, बैंकिंग पेशे से रहा हो, टीचिंग ट्रेनिंग आदि के पर्पज वाले पेशे से रहा हो, इस बात की संभावना बन जाती है।
अब जैसे सूर्य बुध और गुरु की युति है, तो यहाँ पे दो जो है त्रिकोण के स्वामी हो गए, बुध नौकरी का स्वामी है छठे भाव का, तो ऐसे लोगों की नौकरी में बड़ा यश ऐसे लोगों को मिलता, दबदबा कायम रहता है, मालिक ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति की जो नाक होती है और आंख होती है वो विशेष रूप से आकर्षक होती है। जातक स्वयं भी बहुत सुंदर, विद्वान, बुद्धिमान, सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, बहुत अच्छी मदद, सहायता या जो कुछ कह लीजिए मोटिवेशन दे पाते हैं। जातक जो है, जातक का भाई, जातक और जातक के पिता धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन वाले होते हैं। जातक स्वयं भी शास्त्रों में रुचि रखता है। जीवन के अंतिम दिनों में वह वैरागी होता है, यानी जैसे सर्वदर्शन विमुक्त होना बोलते हैं, मृत्यु के पूर्व मोह माया से मुक्त हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य आत्मा है और ये गुरु ज्ञान है, बुद्ध बुद्धि है, तो जो है ये ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि अब मोह माया त्याग के ईश्वर में लग जाना है, क्योंकि अब अंत समय नजदीक है, तो ईश्वर ही काम अब आएगा। ऐसे लोगों के ऊपर दैवीय कृपा भी होती है, गुरु की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग अच्छे गुरु का सानिध्य पाते भी हैं और दूसरों के लिए अच्छे गुरु बनते भी हैं। आत्मसिद्धि, ईश्वर से निकटता, ऐसी सारी चीज़ें ऐसे लोगों के जीवन में रहती है। मतलब कुल मिलाकर के यह युति काफ़ी अच्छा प्रभाव दे जाती है। सूर्य बुध और शुक्र की युति कैसा परिणाम देगी? सूर्य जो है पंचम लॉर्ड, शुक्र जो है धन और सप्तम का लॉर्ड होगा, और यहाँ पे बुध तीसरे और छठे का लॉर्ड होगा, जो आपके जीवन साथी के नौकरी आदि के लिए अच्छा हो जाता है। जातक का पिता बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली, रूप रंग अच्छा होने की संभावना है, वह स्त्रियों से सुख बड़ा अच्छा पाता है। सूर्य बुध और शुक्र की युति में स्त्री का सुख अच्छा हो जाता है, कुंडली में स्त्रियों के माध्यम से भी मदद मिलती है, धन मिल सकता है। जातक गुणी व्यक्तियों का प्रिय होता है, अधिकांश का पसंदीदा व्यक्ति होता है, धन बहुत होता है, खेती की जमीन भी ऐसे व्यक्ति के पास होती है, और जैसे दूध दही घी वगैरह जातक को भरपूर मिलता है। जैसे एक तो है कि हम खरीदते हैं, नाप तौल के मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के घर में जो है कुछ ना कुछ ऐसी प्रबंध रहती है, व्यवस्था रहती है, कि जो भी व्यक्ति 10 लोग जाएंगे तो भी दूध दही नहीं घटना है घर में, 2 लोग जाएंगे तो भी नहीं घटना है। यानी यह जो है व्यक्ति को सर्व प्रकार से सुखी, मतलब वो केमिकल वाले प्रोडक्ट खाने से बचाता भी है या वास्तविक सुख देता है। समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर बाद में प्रतिष्ठित स्थान भी मिल जाता है। बोलने में ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं। ऐसे लोग जैसे सूर्य पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है और बुध वाणी है, स्त्रियों को भी बोल लेते हैं अनुकूल और पुरुषों को भी, दोनों से इनकी वाणी ऐसी होती है ना कि ये स्त्री पुरुष दोनों को मोह ले जाते हैं। खेल, मनोरंजन, साहित्य, संगीत आदि में ऐसे लोगों की रुचि होती है। शुक्रास्त हो तो थोड़ी सी समस्याएं आती हैं विवाह वगैरह में, लेकिन अगर शुक्रास्त नहीं है तो विवाह वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। जातक की एक बहन अपने पति एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अनेकों बार गलत फहमी में पड़ेगी। अगर सूर्य बुध और शुक्र की युति है तो आपकी जो एक बहन है वह जो है बार बार उसको कोई मिसगाइड करे तो वो तुरंत दूसरों के बहकावे में आ सकती है। और इसके अलावा आपका पुत्र धीरे धीरे सबल और समृद्धशाली होगा। सूर्य पंचम का यहाँ पे लॉर्ड बन रहा है काल पुरुष से, इसलिए 200 ग्रहों का प्रभाव होगा। अग्नि एवं वायु तत्व की राशियों में फल अधिक अच्छा होता है और यह आपके पत्नी की नौकरी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पत्नी का स्वामी शुक्र है और धन भाव का स्वामी है, बुध छठे का स्वामी है और सूर्य जो है पंचम का, तो सूर्य और बुध पंचम और षष्ठम का प्रभाव यहाँ पे एक साथ बन रहा है, तो ये जो है संख योग हुआ। शुक्र पत्नी का कारक है धन का, तो पत्नी के माध्यम से या स्त्रियों के माध्यम से लाभ और धन की प्राप्ति होने का योग बन जाता है। काफी अच्छा प्रभाव यह योग कुंडली में प्रदान करने वाला होता है। अब बात कर लेते हैं सूर्य बुध और शनि की युति का। कुंडली में सूर्य बुध और शनि की युति क्या असर देगी? देखिए यह युति बुद्धि कर्मा योग बनाती है।
शनि क्या है? कर्म का कारक है। दशम भाव का शनि कारक होता है। दशम भाव क्या होता है? कर्म होता है। और यहाँ पर बुध के साथ बैठा हुआ है, तो बुद्धि कर्मा योग नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं बुद्धि कर्मा योग। यह बुद्धि कर्मा योग क्या इस कैसे काम करेगा इसको भी देख लीजिए। जातक अपनी बुद्धि के बल पे अपनी आजीविका चलाता रहता है। बुद्धि और कर्म का घनिष्ठ संबंध बन जाता है। जातक एवं उसके पिता को कुछ भूमि संपदा भी प्राप्त होती है। दोनों लोग मिल के जमीन खरीदें, दोनों पैसा मिला के खरीदें, या पिता खरीदा हो पुत्र उसको आगे बढ़ाए, तो ये भी संभावनाएं यहाँ पर बनी होती हैं। उसको कुछ राजकीय सहायता एवं संरक्षण भी प्राप्त होगा ऐसे जातक को। राज्य की मतलब कुछ नेता मंत्री टाइप के लोगों से या अधिकारियों से जान पहचान संरक्षण मिले, इस बात की संभावना रहती है। जातक एवं उसके पिता परस्पर एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे के विचारों के विपरीत रहते हैं, लेकिन फिर भी काम मिलके करते हैं। अब यहाँ पर अगर वायु तत्व की राशियों में यह युति हो तो ज़्यादा ठीक है, अन्य राशियों में वायु तत्व को छोड़ के तो जीवन में कई बार बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि बुध और सूर्य की युति में क्या होता है, कभी जैसे कुछ परिस्थितियां अचानक से सामने आई और कुछ अचानक से निर्णय लेना है, तो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब ऑल ऑफ सडन या प्रेजेंस ऑफ माइंड जहां दिखाना पड़ता है, तो वहां पे ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को जीवन में कई बार आएगी जाएगी आएगी जाएगी। चश्मा लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सिर में थोड़ा सा दर्द रहेगा, और शुरुआती जीवन में बचपन में ऐसे लोग उद्दंड स्वभाव के होते हैं, मतलब जल्दी बातें नहीं मानते हैं, शैतानी करते हैं। सूर्य बुध और केतु की युति का क्या असर होगा, पहले राहु को ले लेते हैं। सूर्य बुध राहु, इसमें क्या है, जातक का जो पितामह होगा यानी पिता के पिताजी बाबा दादा लोग, जातक के पितामह एवं पिता अपने समय में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे हों, यह मिलती है संभावना। और आपका जो दौर चल रहा है उसमें आपको तकलीफ आ रही है, यानी आपके जो दादा बाबा पिता लोग बना करके गए हुए थे उसे मेंटेन करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समाज में उच्च पद पर और धन संपदा के स्वामी रहे होंगे आपके दादा बाबा लोग। अब यहाँ क्या है, लेकिन कठिनाइयों से ही वो लोग पहुंचे होंगे, लेकिन आपको जो है थोड़ी सी समस्याएं होती हैं पैतृक विरासत को संभालने में। पैतृक विरासत और संपदा मिलेगी लेकिन उसमें अवरोध आएगा। जातक की अनेक विजातीय व्यक्तियों से मित्रता होती है, मतलब ऐसे लोगों से मित्रता होगी जिनके बहुत कम मित्र हों, विजातीय हों, ऐसे लोगों से मित्रता होती है। स्किन की प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी क्योंकि बुध जो है दो क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे बैठा हुआ है। सूर्य बुध और राहु की युति में आप चालाक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपना काम निकालने में चतुर होते हैं, अपना काम निकाल ले जाएंगे। कार्यों में अवरोध और बाधाएं भी आती हैं। सूर्य बुध और केतु की युति में अब यहाँ पर जातक के मातृक परिवार में खुशहाली रहेगी, यानी नाना नानी मामा के परिवार में आपके जन्म के बाद उन्नति होगी। उनका प्रमुख व्यवसाय जो होगा कुछ ना कुछ कृषि या भूमि आदि से जुड़ा हुआ होगा। जातक के पिता और जातक सामान्य स्तर का जीवन जिएंगे, ज़्यादा आडंबर और ढोंग नहीं दिखाएंगे। जातक अपनी सतत मेहनत और प्रयास से समाज में ऊंचा पद पाएगा, लेकिन पहनावा रहन सहन खान पान साधारण ही रखता है क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक ग्रह है, तो इसलिए ये आडंबर और दिखावे से बचा करके रखता है। आपके स्किन में यहाँ भी दिक्कत आएगी, कभी कभी आपकी वाणी जो है गड़बड़ हो जाएगी, वाणी दांत मसूड़े से जुड़ी हुई समस्या हो, या वाणी आप ऐसी बोलें कि लोगों को चुभ जाए। और पिता के लिए यहाँ पर फिर से कोई आपके पिता का कभी चोट वगैरह लगा हो, सर्जरी हुई हो, इस बात की संभावना रहेगी। अब सूर्य बुध शनि की युति, सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध केतु, इन युतियों में आपको स्किन की प्रॉब्लम आने की संभावनाएं रहती हैं, स्किन रोग हो सकता है।
जिसके लिए आपको शनि राहु और केतु का ही उपाय करना। अगर सूर्य बुध और शनि की युति है तो शनि के लिए दान वगैरह कर सकते हैं। सूर्य बुध राहु की युति में राहु का करना है, सूर्य बुध केतु की युति में केतु का उपाय करना है। इससे आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, मान सम्मान पे भी दिक्कत आता है। जब सूर्य बुध शनि होगा, सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध केतु, तो आपको अपने अच्छे कार्यों का किया हुआ श्रेय कम मिलेगा, मान सम्मान की कमी रहेगी, लोगों का अटेंशन आप पे उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें शनि का, राहु का और केतु की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, इनके मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ये दोनों युति तो आपको अच्छा ज़्यादा बेहतर परिणाम देगी। सूर्य बुध गुरु यह आपके लिए बहुत बेहतरीन है, सूर्य बुध शुक्र भी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे उत्तरोत्तर चीज़ें गड़बड़ दिखाई देती हैं। अगले कार्यक्रम में अन्य ग्रहों की युति पे हम बात करेंगे।